का तो ऑफ है और हैंड ट्रिप मीटर भी है आगे पीछे के साथ, तो फिर वो काम आता है या उसको इमरजेंसी ब्रेक के तौर पे भी यूज़ किया जाए फॉर लिफ्ट की दूसरी साइड पे। तो फर्स्ट गियर थोड़ा सा आगे करके चला के देखिए, क्लच की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिकेटर वगैरह के लिए है, लीवर जाएंगे, ये लीवर पे ड्राइविंग है। आप पहले दिन तो आपने अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम आपको फोर्कलिफ्ट चलाने या फोर्कलिफ्ट ऑपरेट करने की इब्तदाई ट्रेनिंग देंगे। फोर्कलिफ्ट की ट्रेनिंग लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भाई बाहर किसी मुल्क में रोज़गार के लिए आना चाहते हैं, इनको कोई ना कोई हुनर सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई हुनर नहीं होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी ही कर सकते हैं। आप फोर्कलिफ्ट की कम अज़ कम इब्तदाई ट्रेनिंग ले लें ताकि जब आप बाहर किसी मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई करें तो आप उनको ये बता सकें कि मुझे फोर्कलिफ्ट चलाना आता है। तो अगर किसी को अपने मुल्क में रह के फोर्कलिफ्ट चलाना आता है या कोई भी लेबर बाहर का किसी भी सऊदी अरब या दुबई या किसी गल्फ़ कंट्री में या किसी भी मुल्क में आना चाहता है तो उसको अगर फोर्कलिफ्ट चलाना आता होगा तो रोज़गार के अच्छे मौके मिल सकते हैं। फोर्कलिफ्ट को चलाना इंतहाई आसान है, बेशक आपको गाड़ी चलानी ना भी आती हो फिर भी आप फोर्कलिफ्ट चला सकते हैं। कि इसकी जो ब्लेड्स हैं ये नीचे ऐसे लगे हैं, इस वक्त बिल्कुल रेस्ट हालत में ज़मीन पर पड़े हैं। तो अभी हम इसको ऑपरेट करना आपको सिखाएंगे थोड़ा सा। आ जाएं करामत भाई, बैठने पे सबसे पहले आपने सीट बेल्ट लगाना है, कानून भी है और आपकी सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। ये हो गया सीट बेल्ट, अब करें यहाँ की लगती है ये पावर ऑन करते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपका जो हैंड ब्रेक है वो ऑन हो, यानी हैंड ब्रेक खींची हो आपने, छोड़ के कभी कभी ऐसा होता है गियर में होते हैं तो वो आगे के चल पड़ता है, इसलिए बेहतर है हैंड ब्रेक लगी हो। ये मीटर पे सब कुछ शो करता है कि इसमें कितना पेट्रोल बाकी है या अगर गैस पे है, फिलहाल तो गैस पे चल रहा है हमारा फोर लिफ्ट, गैस कितनी बाकी है, कितने घंटे ये चल चुका है। और क्योंकि ऑयल चेंज करना होता है इसलिए हम ट्रिप मीटर भी है कि ऑयल लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था। अभी करामत भाई आप दिखाएं हमें, अब ये क्या फंक्शन है इनके ये ऊपर जाने का, इस लीवर को जब आपने दबाना है तो फोर लिफ्ट ऊपर को जाएगा, ये देखिए इस लीवर से फोर लिफ्ट ऊपर को जा रहा है, हो गया। अब इस लीवर से ये सेंटर वाला लीवर है, ये इसका बैलेंस आगे पीछे करता है। करें करामत भाई और करें, फिर करें एक बार आगे पीछे चलेंगे, ये सेंटर वाले लीवर का काम है, इसका काम है लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट और राइट का है लीवर, ठीक है लेफ्ट राइट ये करेंगे, इधर से एक बार दिखाएं लेफ्ट राइट ब्लेड्स हैं उनको ये लेफ्ट और राइट करता है, ठीक है। अब इससे नीचे कर रहे थे, नीचे करें दोबारा काम भाई, ये अभी ब्लेड नीचे आ रहे हैं, ठीक है ये नीचे भी ऊपर को भी करेंगे, ये ऊपर भी इसी से नीचे भी इसी से, इस फर्स्ट वाले लीवर से और सेंटर वाले लीवर से आपको बताया बैलेंस, आगे ये झुक गया ये आगे की तरफ, ठीक है ये करना है सेंटर वाले से, हाँ और ये लेफ्ट राइट तो है लीवर से लेफ्ट राइट जा रहे हैं, ओके जी। ये इसका एक्सीलेटर है, प्रेस करेंगे एक्सीलेटर, साथ ब्रेक्स हैं ब्रेक और साथ ये क्लच है, फिलहाल इसका कोई काम नहीं, इसको जब कल को कोई और फंक्शन के साथ लगाएं ना फोर लिफ्ट के साथ तो फिर वो काम आता है, या उसको एमरजेंसी ब्रेक के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है या अपने पाँव को रेस्ट देने के लिए भी वो यूज़ होता है। जो तीसरा लीवर सेंटर वाला जो है ब्रेक, जो फर्स्ट वाला है ये है आपका एक्सीलेटर। फोर लिफ्ट की दूसरी साइड पर जाकर हम आपको चेक कराने लगे हैं, ये आपको बताया था हैंड ब्रेक है, इसको आगे किया तो ये ब्रेक फ्री होगी, इस वक्त ब्रेक नहीं है, इसको प्रेस करके पीछे किया तो ये हैंड ब्रेक लग गया। तो ये हैंड ब्रेक कब आया था आपको, गियर्स के लिए क्लच की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक ही है, आपकी सिर्फ ब्रेक ही होती है लिफ्ट में, बाकी क्लच नहीं होता। तो
ब्रेक और एक्सीलेटर होता है। अभी ये न्यूट्रल पे है, इस वक्त न्यूट्रल है जो इंडिकेटर वगैरह के लिए है। लीवर सेम गियर की तरह का लीवर है, इसमें इंडिकेटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये स्टेयरिंग को थोड़ा घुमा के दिखाएं आप, स्टेयरिंग से ये वाला टायर जो है ना पीछे वाला टायर फंक्शन करता है स्टेयरिंग से, देखें। इंट्रोडक्शन तो हो गया, थोड़ा सा अब काम करके दिखाएं ना करामत भाई। ये जो सबसे ऊपर पैलेट पड़ा है ये वाला, इस नीचे उतारें। ये करामत भाई अभी आएंगे, ये लीवर को आस्ता आस्ता ऊपर उठाया। ये ब्लेड्स को इंतहाई महारत के साथ, इंतहाई एहतियात के साथ, महारत और एहतियात आस्ता आस्ता करने से, सेम जैसे ड्राइविंग है। आप पहले दिन तो आप नहीं सीख सकते, इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। थोड़े हाथ सीधे हो गए तो बहुत ईजी हो जाता है। अभी नीचे ले के आएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली करना होता है, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। जब इंसान ट्रेन हो जाए उसके बाद जितनी जल्दबाजी करनी है कर लें, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो स्लो करना। अभी करामत भाई इसको आप यहाँ लाइन करके दिखाएं ना, इस जगह पे रखें ये पैलेट। सारा गियर का यूज़ करना है, गियर और स्टीयरिंग। ये इधर लाइन, फिर बैक गए। दो मिरर होते हैं सेम बड़ी गाड़ी की तरह या कार की तरह, दो मिरर हैं उसमें। आपने बैक पे भी देखने एहतियात से बैक पे देख के फिर गाड़ी चलानी। रामत भाई और क्या क्या फंक्शन है इसके दिखाएं हाँ थोड़े से। ये ड्राइविंग के लिहाज के फंक्शन है। उसके बाद जब इसका ऑयल वगैरह चेंज करना होता है या फिल्टर, वो मीटर देख के फिर ऑयल चेंज करना है। वो भी अगली किसी वीडियो में मेंटेनेंस का भी दिखाएंगे, अभी तो सिर्फ ट्रेनिंग के तौर पे इसका इंट्रोडक्शन है कि चलाना कैसे है। अभी इकरामत भाई जो आपने पैलेट रखा था उसको आप उठा के दोबारा उसी जगह पर रखें जहाँ से लिया था। एंड पे बंद करते वक्त क्या करना है? पहले हैंड ब्रेक खींचनी, हैंड ब्रेक खींच के बाद में स्विच बंद कर देना। स्विच बंद कर देना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ ज़रूर आई होगी, और अगर ज़्यादा तफसील में सीखना है तो कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके सिखा सकें। और जो नौजवान फारग हैं और बाहर किसी मुल्क के आने की तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार में हैं, उनको तो चाहिए कि कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। फोर्कलिफ्ट सबसे आसान हुनर है। आप वैसे तो पाकिस्तान में शायद या अपने मुल्क में सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, सर्टिफिकेट ना भी लें फिर भी कम अज़ कम फोर्कलिफ्ट ऑपरेट करना या थोड़ा आइडिया ज़रूर लगा लें, ताकि जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करें तो आप किसी को बता सकें कि हाँ मुझे फोर्कलिफ्ट भी चलाना आता है। आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।